यूपी के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में ठंड का प्रकोप जारी, इन जिलों में आज भी शीत दिवस की है चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कोहरा और शीतलहर दोनों का प्रकोप जारी है। वही आज भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जो है घना कोहरा छाया रहा। वही दोपहर में हल्की धूप निकली, लेकिन इसका कोई भी असर जो है वो देखने को नहीं मिला। शाम होते एक बार फिर से यहाँ पर लोग जो है कोहरे में डूबने को मजबूर हो गए। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज भी जो है यूपी के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। तो वही जबरदस्त शीतलहर ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज जो है आज भी मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है और कई जगहों पर ठंड से अत्यधिक यहाँ पर मतलब मौसम जो है ठंडा से अत्यधिक ठंडा मौसम रहेगा, यानी कोल्ड की स्थिति रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं यूपी में फिलहाल जो है कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 20 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहेगा। हालांकि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। वही यूपी में ऑरेंज अलर्ट जो है वो ज्यादातर इलाकों में यहाँ पर कोल्ड का जारी किया गया। उसमें जो है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद में घने कोहरे के साथ शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही बागपत, मेरठ, भीमनगर और रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर बहराइच इलाके में जो है कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में आज ज्यादातर इलाकों में जो है कोहरा छाया हुआ है। इनमें श्रीवस्ती, गोंडा और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर और इसके अलावा बांदा, कानपुर, हमीरपुर, जालौन, अरोरिया और इसके अलावा ओरिया और इसके अलावा यहाँ पर इटावा, फरोजाबाद और आगरा, हाथरस और मथुरा में जो है कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही मौसम विभाग की जो जानकारी है उसके मुताबिक राज्य में न्यूनतम तापमान भी 3.8 से लेकर 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। वही राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा ठंड जो है यहाँ पर मेरठ में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पर तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 5.2, नजीबाबाद में 5 डिग्री और मुरादाबाद में 5.2 और अलीगढ़ में, आगरा में 6.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं रामनगरी अयोध्या का तापमान की बात करें तो 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अभी आगामी दिनों में अयोध्या में तापमान में गिरावट आने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आगामी दिनों में यूपी के कई इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं कई इलाकों में कोहरा जो है जबरदस्त परेशान करेगा। 20 तारीख तक यूपी के ज्यादातर इलाकों में कोहरे को लेकर अलर्ट है। वहीं अभी आगामी दिनों में जो है कोहरे को लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। आगामी दिनों में जो है कोहरा का रूप जो है और ज्यादा यहाँ पर भयंकर होने के आसार जताए गए हैं। कोहरा जो है उसमें जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं लखनऊ से ज्यादातर इलाकों में जो है ये कोहरे की स्थिति देखने को मिलेगी।